नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉबविद पीडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.1 ना वो कंप्लीट कर ली। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से फर्स्ट क्लास वहां पे जरूर देख लेना। दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप इसे जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट इस प्रकार है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो बताइए कि वह संख्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना है कि संख्या ज्ञात करनी है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या के लिए हमें कंडीशन क्या दी गई है कि अगर उस संख्या में से 1/2 हम घटाएं, ठीक है, पहले में बोला जा रहा है कि उस संख्या में से हमें 1/2 घटाना है, फिर घटाने के बाद जो हमें मान मिले उसको हमें क्या करना है, 1/2 से हमें क्या करना है, गुणा करना है, और हमें जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। ठीक है, तो हमें वो संख्या बतानी है कि वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या को मान लेते हैं कि वो संख्या क्या होती है, आपकी कोई चर राशि होती है, जैसे एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है, कोई भी ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है, हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक है, क्योंकि x का मान है वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम एक चर राशि मान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आप मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या है, आपकी x है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि संख्या में से हमें क्या करना है, 1/2 घटाना है। तो जैसे जैसे हमें प्रश्न में बोला जा रहा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या घटा देंगे, संख्या में से 1/2 घटा देंगे। अब जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी इस संख्या में से 1/2 घटाने पर जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होगा उससे हमें क्या करना है, 1/2 से हमें क्या करना है, गुणा करना है परिणाम को। ठीक है, तब हमें जो मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1/8 मिल रहा है। ये सब दोस्तों हमें क्वेश्चन में बोला गया, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है। हमें बोला गया कि संख्या में से 1/2 घटाने तथा जो हमें परिणाम प्राप्त है उसको हमें 1/2 से गुणा करने पे हमें 1/8 प्राप्त होता है, तो हमें यह संख्या निकालनी है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हमें क्या करना है, जिस प्रकार हमने पिछली क्लास में हमने समीकरण को सोल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। इस तरफ यह संख्या भाग में है तो इधर जाती है दोस्तों क्या हो जाएगी, आपकी गुणा में हो जाएगी, यानी 2 है तो दोस्तों इस तरफ जाती है क्या हो जाएगी, आपकी गुणा में हो जाएगी। तो आगे इसको करेंगे हम एक्स माइनस 1/2, ये दोस्तों यहां पे 2 है, ये तो आपका कहां चला जाएगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा, और ये ऊपर यहां पे दोस्तों गुणा में ये कहां आ जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा, तो यानी 2/8 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया, 1 का गुणा नीचे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से दोस्तों ये डिवाइड होगा, 2 से 2 एक बार डिवाइड होगा, और 8 है वो कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 4 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 1/2 के बराबर हमें कितना मिला, 1/4 मिला। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी बाकी मान है इस तरफ भेज देंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस तरफ ही अगर माइनस की वैल्यू है तो इधर जाती है किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो यानी x बराबर 1/4 और ये प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। इसको हम आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे, एलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो इनके अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमें एलसीएम मिला, 2 × 2 बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एलसीएम मिल गया 4। 4 को किससे गुणा करें, 4 आए तब आप बोलोगे सर 1 से गुणा करें, 1 से गुणा हमें ऊपर करना पड़ेगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का सिंबल हमने प्लस लगा दिया। 2 को किससे गुणा करें, 4 आ जाए तब आप बोलोगे सर 2 को 2 से गुणा करो, 2 से गुणा हम ऊपर करेंगे, 2 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 2 आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये तो दोस्तों कितना आपका 1 है, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3/4
चार। तो हमें x की वैल्यू दोस्तों कितनी मिली है, 3/4 मिली है। तो यानी x हमने क्या माना था, वह संख्या मानी थी x, तो वो संख्या दोस्तों कौन सी है, वो संख्या आपकी हमें मिली है 3/4 मिली है। यानी कि अगर हम 3/4 में से 1/2 घटाएं और उसे 1/2 से हम गुणा करें तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी, 1/8 मिलेगी। आप x की जगह 3/4 रखे भी चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें वो संख्या याद करनी थी, तो वो संख्या हमारी आई है 3/4 आई है। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। चलिए हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एक आयताकार तरण ताल यानी एक स्विमिंग पूल की लंबाई है उसके चौड़ाई से 2 गुने से भी 2 मीटर अधिक है, और इस जो स्विमिंग पूल है इसका हमें परिमाप दिया गया है वो कितना है दोस्तों, 154 मीटर है। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों एक आयताकार तरण ताल यानी एक आयताकार स्विमिंग पूल है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आयताकार क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एक आयत का मीन्स होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, आयत में बराबर होती है, ठीक है। अगर ये लंबाई है तो ये और ये मान क्या होगा, बराबर होगा। ये इसको हम चौड़ाई माने तो ये और ये दोस्तों क्या होगा, आपका बराबर होगा। आयताकार का मीन्स क्या होता है कि आमने सामने की भुजा इसमें क्या होती है, आपकी बराबर होती है। तो ये एक आयताकार तरण ताल है, यानी कि इसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं हैं दोनों क्या है, बराबर है। और इसका हमें परिमाप दिया गया है, आयताकार तरण ताल का परिमाप का मीन्स क्या होता है कि इसके चारों भुजाओं का योग, ठीक है। परिमाप दोस्तों क्या होता है, उसके भुजाओं का योग होता है। यहां पर इसकी कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, तो चारों भुजाओं का योग हमें कितना दिया गया है, 154 मीटर हमें यहाँ पे दिया गया है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई के अंदर दोस्तों आपको एक संबंध दिया गया है कि लंबाई उसके चौड़ाई से, चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, ठीक है। जा रहा है कि लंबाई है ना, ये चौड़ाई जितनी भी चौड़ाई होगी ना उसके 2 गुने के, चौड़ाई का 2 गुना प्लस इसमें 2 जोड़े ना, ये दोनों किसके बराबर होगी, आपकी लंबाई के बराबर होगी। लंबाई कितनी है इसकी दोस्तों, ये लंबाई है ना ये चौड़ाई के 2 गुने से भी 2 अधिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौड़ाई मान लेंगे। हम क्या करेंगे, माना तरण ताल की, माना आयताकार तरण ताल की चौड़ाई यहां पे कितनी है, हमने मान ली x है, ठीक है। हमने माना कि तरण ताल जो आयताकार आपका जो तरण ताल है ना दोस्तों, उसकी लंबाई है, चौड़ाई वो कितनी है, एक्स है, ठीक है। ये लीजिए आपका आयताकार, आयताकार तरण ताल की चौड़ाई हमें कितनी दी गई है, x दी गई है, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, चौड़ाई के 2 गुने से भी 2 अधिक है, ठीक है। तो यानी कि इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी, यहां पे हम लिख देंगे इसकी लंबाई जो कि कितनी है, चौड़ाई के 2 गुने, यानी सबसे पहले इसको 2 से गुणा करेंगे प्लस इससे भी 2 अधिक है, यानी ये कितनी हो जाएगी आपकी, 2x+2 है, ठीक है। ये दोस्तों हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, जो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया हमने वही किया है, ठीक है। इसके अंदर हमें बोला गया था कि चौड़ाई है वो, लंबाई है वो चौड़ाई से भी कितनी है, 2 गुने से 2 अधिक है, तो हमने चौड़ाई x मानी तो लंबाई होगी आपकी 2x+2। आगे दोस्तों हमें बोला गया कि इस आयताकार तरण ताल का जो परिमाप है वो कितना है, 154 मीटर है, ठीक है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये दोस्तों आयत के परिमाप का सूत्र होता है। हमें दोस्तों परिमाप कितना दिया गया है, 154 दिया गया है, ठीक है। लंबाई हमें यहां पे दी गई है, चौड़ाई भी हमें दी गई है, हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमें यहां पे लंबाई दोस्तों कितनी दी गई है, 2x प्लस हमें 2 दी गई है प्लस हमें चौड़ाई दी गई है x बराबर में दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमें परिमाप दिया गया है 154 मीटर। अब दोस्तों 2x और ये x मिलके कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी 3x+2 बराबर हमें दिया गया 154। यहां पे दोस्तों ये 2 है, ये यहां पे क्या गुणा के अंदर, तो यानी इस तरफ आती किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 है वो 154 को कितनी बार डिवाइड करेगा, यानी 154 है वो 2 को कितनी बार डिवाइड करेगा दोस्तों, सबसे पहले हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार जाएगा, तो यानी यहाँ पे 14 आ जाएगा, शेष पद रहेगा अपना 1। फिर दोस्तों आगे हम 4 लगा देंगे तो 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक। यानी कि ये 2 है, अगर इसको हम इस तरफ ले जाते हैं तो 154 को कितनी बार डिवाइड करेगा आपका, 77 बार है वो डिवाइड करेगा।
यहाँ पे दोस्तों 3x प्लस 2 है। अब ये दोस्तों यहाँ पे 2 है वो प्लस का है, इस तरफ जाते किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा अपना 77 माइनस 2। तो 3x बराबर हमें जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 75 मिली है। हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। x हमने क्या माना था दोस्तों, x हमने चौड़ाई माना था, तो चौड़ाई अपनी कितनी आ गई, 25 मीटर आ गई। यहाँ पे दोस्तों ये परिमाप हमें मीटर में दिया गया है, तो यानी ये भी x मीटर है और ये भी दोस्तों जितना भी आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। तो चौड़ाई दोस्तों हमें कितनी मिली है, 25 मीटर मिली है। तो क्या आप लंबाई बता सकते हैं, क्या आपको यहाँ पे क्या करनी है, x की वैल्यू रखनी है। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ये दोस्तों 2 गुणा 25 प्लस 2, तो 50 और 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो यानी इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, 52 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों इस आयताकार तरणताल की चौड़ाई है वो तो हमें कितनी मिली है, 25 मीटर है, ठीक है। और लंबाई हमें यहाँ पे कितनी मिली है दोस्तों, वो मिली हमें 52 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों सब कुछ हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, क्वेश्चन में हमें परिमाप दिया गया था 154, हमने चौड़ाई मान ली, चौड़ाई और लंबाई के अंदर हमें एक संबंध दिया गया था। परिमाप का सूत्र होता है दोस्तों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास है, तो हमने क्या किया यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो अपने रख दी और आगे इसको हमने सोल्व कर लिया। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन सेकेंड हो गया।